अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और करम के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ डेरा गाजी खान सिटी, चूँकि आज एकेडमी में यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी जमा कराने थे और कुछ थोड़ा सा और भी काम था। अभी हमें जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया है। वैगन पर था मैं तो काफ़ी सारा टाइम लग गया है, बहुत लेट पहले से हो गए थे, अभी भी ट्रैफिक पुलिस वालों ने इतना सारा लेट कर दिया है। वो अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हमें जाने देंगे। तो सारा सफ़र जो है हमारे साथ रहिएगा। आई होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलते हैं आगे फिर। इस वक्त मैं डेरा गाजी खान के अंदर उतर चुका हूँ बस पे, बस से उतरा हूँ अभी। तो इंशाल्लाह कोई रक्षा पकड़ते हैं तो चलते हैं गाजी यूनिवर्सिटी। मैं इस टाइम रक्षे में बैठ चुका हूँ और चलते हैं गाजी यूनिवर्सिटी, उधर देखते हैं जो भी एक्टिविटी होती है आपके साथ क्या करते हैं। गाइस, मैं अभी यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स पेज के कवर लेना था, मैं वो कवर लेता हूँ। हसनी मेरा इंतज़ार कर रहा है तो उसके साथ फिर पेज को कवर करके यूनिवर्सिटी में जमा कराने के लिए जाते हैं। गाइस, तकरीबन मैं 5 महीने के बाद आ रहा हूँ इधर। यूनिवर्सिटी की हालत तो काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था इधर, तो सारे काम जो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सारे कम्प्लीट ही कर लें। तो ये देखें, इधर भी जो ग्रासी प्लाट हुआ करता था उन्होंने हल चला दिए हैं, पीछे भी देखें हल चला दिए हैं और मशीनरी वगैरह भी खड़ी हुई है। तो गाइस, बहुत सारा काम करना पड़ गया यूनिवर्सिटी का। इतनी सारी असाइनमेंट्स थी, तकरीबन 12 से 13 असाइनमेंट्स थी और सबके जो है 5 से ज़्यादा पेजेस लिखने थे हर असाइनमेंट के। तो कुछ मैं लिख के आया था घर से, कुछ अभी इधर ही लिखनी थी, कुछ फोटो स्टेट वगैरह भी करवानी थी, बहुत सारा काम पड़ा था। थका दिया है एक तो गर्मी ने और दूसरा काम ने। अभी हम फोटो स्टेट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फुट स्टेट कराए हैं, फुट स्टेट करा के इंशाल्लाह फिर वापस यूनिवर्सिटी। अभी तक जमा नहीं कराए असाइनमेंट्स, वहाँ पे कुछ बनाते रहें, अभी चल के फिर जमा कराते हैं। दिखाता हूँ, ये सामने आबिद भाई बैठे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे और इनको तो जानते ही होंगे। कौन कौन जानता है हसनी को? हसनी इधर तो देख यार, सलाम तो कर देना। अस्सलामुअलैकुम यार, अभी काम करने हैं बहुत सारे, थक गए होंगे ना? थक गए होंगे यार, बहुत ज़्यादा। देखो अभी चल, अभी पता चलता है यूनिवर्सिटी का। कितना काम पड़ा है अभी इसमें? यार बस थोड़ा सा है, अभी चलते हैं। सकती बात है, बस 2 मिनट। चलो फिर चलते हैं, अभी 2 मिनट हमने काम करना है इंशाल्लाह। 2 मिनट के बाद कुछ असाइनमेंट बनानी थी, असाइनमेंट बनानी है, बहुत ज़्यादा बनानी है, बहुत ज़्यादा बनानी है, बहुत ज़्यादा तो बना ही खड़े हैं ना। And explain. And in your own words. सही हो गया, सही हो गया। अभी ये देखें, ये असाइनमेंट्स जो हैं सारी मेरी बनी हुई हैं। ये मेरे दोस्त का नाम लिखा हुआ है,
ये मेरी असाइनमेंट्स हैं सारी की सारी, नीचे जो भी बनी हुई है, ये ऊपर वाली मेरे दोस्त की है। तो ये देखें हसनी भाई की हैं और ये आबिद भाई की हैं। अभी जाके हमने यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, यूनिवर्सिटी में जमा कराने के बाद फिर इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये ना नजर लगा अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने लगे हैं। जी भाई जी। तो गाइस यूनिवर्सिटी की जो हालत है इस टाइम अबतर है, देखने के लायक नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था ये हमारा डिपार्टमेंट है और उसके बाद ये हो जाता है फिजिक्स डिपार्टमेंट। अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे भी और उधर मैथ्स डिपार्टमेंट है। ये हंसने भी बैठे हैं, असाइनमेंट्स अभी बना रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ये देखें इतनी सारी असाइनमेंट्स आज के दिन में बनानी थी, बेड़ा ही गर्क हो गया। 3 दिन से मैं लगा हूँ असाइनमेंट्स बनाने में, मुसलसल 3 दिन से यही हाल है। सुबह से मैंने सोचा था कि तकरीबन 1 बजे मैं वापस चले जाऊंगा घर, बट अभी इस टाइम 6 बन रहे हैं। और मैं इस साइड पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और इधर सीधा सामने। तो ये सामने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये दूसरा नज़र आ रहा है और उसके साथ में ये सारा इसमें पौधे वौधे लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा लुक है यूनिवर्सिटी का। फिर देखें ये साइड थोड़ी खूबसूरत है बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है और वहाँ जो है अभी हो रहा था हमारे डिपार्टमेंट के पास में। ये जो है हमारे यूनिवर्सिटी का फ्रंट व्यू है, सामने से उस साइड पे बसेस वगैरह खड़ी हुई होती हैं और ये एरिया पार्किंग एरिया है, एटीएम वगैरह भी यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने। आपको अपने डिपार्टमेंट की अपने रूम का चक्कर लगवाता हूँ। इस साइड में देखें अभी कोरोना का जो हाल है ना, इसमें पूरा का पूरा जो है सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, कोई सफाई वगैरह भी नहीं की इन्होंने, ऐसे ही पड़ा सब कुछ। ये देखें जी यहाँ पे चार्जर्स रखे हुए हैं, मोबाइल मैंने लगाना है इधर तो थोड़ी देर बाद आके लगाता हूँ। ये देखिए सामने एक न्यू कैबिन वगैरह ऑफिस वगैरह बना दिया है। आओ तो गाइस ये देखें हमारा रूम। इसकी हालत देखें, देखने लायक नहीं है इस टाइम। ये सामने वाइट बोर्ड, सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है। ये देखें डेस्क, यहाँ पे खड़े हो गए प्रेजेंटेशन वगैरह और टीचर्स वगैरह जो हैं वो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। और ये आउटलुक है यहाँ से, इसके जो पंखे हैं सारे के सारे उन्होंने ढाँप दिए हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। खैर इस वक्त हालत तो इसकी ख़राब हुई पड़ी है, पहले बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसमें सजाया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन जब से हम लोग यहाँ से गए कोरोना आया ये हालत तो इसकी हुई पड़ी है। अभी हम लोगों ने काम जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह वापस घर की तरफ चलने लगे हैं।
हमारे दोस्त हैं दानिश गोला भाई, कमाल मेहरबानी भाई, कमाल मेहरबानी। उनके बाद इनको तो जानते ही होंगे हसनी भाई, शहजाद भाई हैं और उनके साथ शरीफ भाई। तो अभी हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, रास्ते में जो भी एक्टिविटी होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और नवी भाई कैसे हो यार आप? अल्लाह का शुक्र है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बस यार थक गए, और आज तो मेरे ख्याल में बड़ा थकाया यार यूनिवर्सिटी ने, कसम खुदा की कसम। सुबह से मैं 8 बजे से घर से निकला हुआ हूँ, 8 बजे से, और अभी इस टाइम 6:30 या 7 हो रहे हैं तकरीबन, ठीक है? इस टाइम हम इजी हो रहे हैं जाके। तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था समझो। मैंने भी नहीं किया था नौमी। सेम भाई। किसी ने नाश्ता नहीं किया, इतनी टेंशन थी कि एक दिन में उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 से 13 असाइनमेंट्स थी वो जमा आप लोगों ने करानी है आज के दिन ही, तो वो असाइनमेंट्स जमा कराने के लिए हम सुबह से निकले हुए हैं, 8 बजे से निकले हुए हैं। अभी इस टाइम 6:30 हो रहे हैं, अभी तक हमने ना नाश्ता किया ना खाना खाया, अभी जाते हैं कुछ खाते हैं, खाने के बाद इंशाल्लाह फिर अपने अपने घर को। ये साइड पे जाएंगे और मैं तौसा शरीफ, ये राजनपुर जाएंगे ना, जिला राजनपुर, हाँ ये सब जिला राजनपुर जाएंगे और मैं फिर बैक। कमाल मेहरबानी सर, कमाल मेहरबानी, थैंक यू आपका। गाइस अभी हम लोग पुल डाट पे पहुँचे हैं, ये वो जगह है जहाँ से चारों सूबों को पाकिस्तान के रास्ता लगता है। अभी यहाँ पे पहले मैंने वीडियो लगाई थी, एक बड़ा सा मीनार हुआ करता था जिसे सिंगम टावर कहते थे, टावर कितना बना हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी। बट अब यहाँ पे देखें सब कुछ जो है वो उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा इधर। उस साइड पे रूम मेरा, अभी दोस्त इंशाल्लाह अपनी तरफ अपने घर की तरफ जाएंगे और मैं थोड़ा सा रूम पे चक्कर लगाता हूँ फिर वापस इंशाल्लाह घर। फ्रेंड्स अभी मैं इस टाइम अपने रूम पे पहुँच चुका हूँ, ये हमारा रूम और इस पर अभी ताला लगा हुआ है, तो मैं इसको खोलता हूँ, अंदर देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है इसका। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल इतना ख़राब हुआ पड़ा होगा कि देखने लायक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ताले को देखें इतना जंग लगा हुआ है, देखा ये 5 से 6 मंथ हो गए हैं इसको, ये बंद पड़ा है, और इसके अंदर का हाल देखें, ये सारे बिस्तरे हमारे इस जगह पे पड़े हुए हैं, और ये देखें इस साइड पे छोटा सा रूम है बिल्कुल, 3 बंदों की जगह है। तो मैं अभी बैग अपना उठाता हूँ। तो गाइस ये है हमारा रूम, बट अभी इसकी जो हालत है बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, 6 मंथ के बाद मैं आज वापस आ रहा हूँ यहाँ पे जब से लॉकडाउन लगा है। तो मैं अभी देखता हूँ क्या माहौल है इसका, वैसे थोड़ा सा मोबाइल चार्जिंग भी लगाना है वो करता हूँ, लाइट भी जल गई अब। तो यहाँ पे हमारी एक कालीन होती है बड़ी सी, वो इस टाइम वहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर बड़ी सी कालीन होती है वो नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर फिर हम ये बिस्तरे वगैरह लगा के सो जाते हैं, और एक चारपाई इधर रखी हुई है, एक बंदा इधर सो जाता है, फिर 3 बंदे नीचे सो जाते हैं या 2 बंदे नीचे सो जाते हैं, जिस तरह से सिस्टम बनता है, कभी मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। गाइस बहुत सारी गर्मी थी, बहुत सारी, अभी मैं नहाया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ, मज़ा आ गया है। अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं रूम से, बिकॉज मैंने जाना है घर वापस, और 3 से 4 घंटे का सफ़र है, मगरब की अजानें हो गई हैं, मैं अब निकलूँगा घर को। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह घर की तरफ। तो मेरे ख्याल में मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपने होस्ट टॉमी के सामने भी दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।